गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके, सभी अच्छे हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे सभी ओके? थम्स अप करके दिखाओ। गुड, सभी अच्छे हैं। कल का टेस्ट कैसा रहा सभी का? बढ़िया रहा? सभी ने दिया कॉपियां मेरे पास, तीन चार ही जो है बच्चों ने मैसेज किया है बस, ठीक है। और बाकी जो प्रीति है, प्रीति यादव, उन्होंने मैसेज किया था, एक क्या नाम उसका, कविता है, कविता के द्वारा भी दिया गया था, ठीक है ना। तो सभी बच्चे मैसेज कीजिए, सभी जो बच्चे हैं कॉपी जो है मेरे पास सेंड कीजिए, एक बार देखते हैं कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं। वैसे तो आप टीप के लिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी लिख तो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए जरूरी है, ये टेस्ट वगैरह जो है लेने, और ये जो कॉपियां जो है इन कॉपियों को अपने पास संभाल के रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कर दें, जब भी हम आपके घर आएंगे तब उन्हें कलेक्ट कर लेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। और जिससे क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है वो रैपिडली चलती रहेगी। सो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रंध्र की संरचना। इससे पहले हमने रंध्र जो था उसकी उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके प्रकार हमने पढ़ लिए थे कि डाइकोट जो होते हैं उनमें किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, मोनोकोट में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, और जो एक्सक्यूज मी एक मिनट चौक ले आता हूं। सो मोनोकोट में किस तरह की होती है, डाइकोट में कैसी पत्तियां होती है, ये सारी चीजें जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था मैटर। आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है, वो है, हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, कक्षा 12 बायो, ठीक है अपना। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है रंध्र की संरचना। क्या है? रंध्र की संरचना। दूसरा है या तीसरा पार्ट है ये? आई होप दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। रंध्र की संरचना, रंध्र जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्या होता है कि पत्तियों की जो शीर्ष भाग होते हैं, शीर्ष भाग या ये कहें कि पादप के वायव्य भागों से, पादप के वायव्य भागों से जो अवशोषित जल होता है उसका प्लांट यानी कि पादप के द्वारा क्या कर देना, उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देना, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें हमने पढ़ा है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर पादपों में रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। हालांकि क्यूटिकल के माध्यम से भी हो सकता है या वात रंध्रों के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन उनसे जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इसी रंध्र को ही देख लेते हैं कि रंध्र क्या है। तो रंध्र की स्ट्रक्चर अगर हम बात करें कि रंध्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो पहले मैं चित्र बना देता हूं, उसके बाद उसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। एक जो रंध्र होता है, प्रत्येक जो रंध्र होता है वो दो डमलाकार या फिर ये वृत्ताकार भी कह सकते हैं हम, इस तरह की वृत्ताकार जो होती है कोशिकाएं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार की वृत्ताकार कोशिकाएं होती हैं, एक तो इस तरह की होती है और दूसरी इससे जुड़ी हुई इसी प्रकार से यहां से होती है, ठीक है, सेम टू सेम इस प्रकार से, ओके। तो रंध्र जो होते हैं उसके अंदर ये दो द्वार कोशिकाएं होती है, एक इधर वाली नजर आ रही है, एक इधर वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये दो द्वार कोशिकाएं होती है, इस तरह से ध्यान रखना इनको, ठीक है। एक रंध्र की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर क्या होती है, दो इस प्रकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं, नजर आ रहा है आपको, ये क्या होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। और दोनों की जो आकृति नजर आ रही है कैसी होती है आकृति, वृत्ताकार आकृति होती है, कैसी होती है, वृक्क के समान आकृति होती है, दो वृत्ताकार, और ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं, ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं, ये दोनों कहलाती हैं द्वार कोशिकाएं या फिर रक्षक कोशिकाएं भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द्वार कोशिकाएं कह सकते हैं या गार्ड सेल्स भी आप इन्हें
कह सकते हैं ये जो मैंने बनाए हैं टिकटी के आपको नजर आ रहे हैं, ये हरित लवक होते हैं जो इनमें उपस्थित होते हैं। ये क्या होती है? द्वार कोशिकाएं होती हैं, और ये दोनों की दोनों द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इनके मध्य में एक छिद्र बन जाता है, नजर आ रहा है, इनके मध्य में एक छिद्र बन जाता है, यही छिद्र रंध्र छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र कहलाता है। और ये क्या है? ये है द्वार कोशिकाएं। क्या है ये? ये है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। क्या है ये द्वार कोशिकाएं हैं और इनके बीच में ये है, ये रंध्र छिद्र है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसे रंध्रीय छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर में और नजर आ रहा है कि रंध्रीय छिद्र की और ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनकी जो भित्ति होती है उनमें क्या पाया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। इनकी जो थिकनेस होती है उसमें, यानी कि इनकी जो मोटाई होती है उसमें डिफरेंट होता है। कैसे? कि अंदर की वाली जो भित्ति है, द्वार कोशिकाओं के भीतर वाली भित्ति यानी कि जो रंध्र की तरफ जो भित्ति है वो तो कैसी है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और जो बाहर की ओर वाली जो भित्ति होती है ये कैसी होती है? ये पतली होती है, ठीक है। अंदर वाली मोटी और बाहर वाली पतली, ये बहुत जरूरी है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं यानी कि जब फूली हुई होती हैं, द्वार कोशिकाओं में जब पानी पर्याप्त मात्रा में चला जाता है और जब फूल जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, ठीक है। और जब ये सलत हो जाती है तो रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसी कंपोजिशन के कारण, इसी थिकनेस के कारण कि द्वार कोशिकाओं की बाहर की जो भित्ति होती है वो पतली होती है और अंदर वाली जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? वो मोटी होती है, ठीक है। ये द्वार है, इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो नजर आती है इसके अंदर। तो ये कंप्लीटली जो मैंने आपके सामने जो बनाया हुआ है ये, ठीक है ना, ये क्या है? ये आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली हमारे सामने रंध्र बन चुका है। और ये इसके जो चारों तरफ जो है, ये आपको जो नजर आ रही है, ये चारों की चारों जो होती है, ये चार नहीं, ये जो चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं, ये संख्या में कितनी भी हो सकती है, जरूरी है कि गिन के ये आपको बनानी है, ठीक है। ये संख्या में कितनी भी हो सकती है, बाकी मैं आपको नोट्स तो भेज ही दूंगा, नोट्स की जो पीडीएफ है वहां से आप चित्र को अच्छी तरह से उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी ये चित्र मैं समझाने के लिए बना रहा हूं आपके सामने। ओके, सो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या है? ये हमारे सामने रंध्र का चित्र है, ठीक है। और भी हो सकती है इस तरह से आगे, ऐसा नहीं है कि ये हमारे सामने रंध्र का चित्र आपको नजर आ रहा है। और ये बीच वाली जो है, फिर से इनके लिख देते हैं, ये क्या है? द्वार कोशिका। क्या है? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कह सकते हैं आपको। बीच का जो है ये क्या है? ये रंध्र छिद्र है। क्या है? ये रंध्र छिद्र है, ठीक है। और ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? हरित लवक उपस्थित होते हैं। और ये चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। समझ गए? ध्यान है। तो ये हमारा सामने जो आपके चित्र बना हुआ है, ये रंध्र का चित्र बना हुआ है, चारों ओर सहायक कोशिकाएं हैं, दो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं की बाहर वाली भित्ति पतली होती है, अंदर वाली भित्ति मोटी होती है। क्यों? इसी के कारण क्या होता है कि जब कोशिका यानी कि द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं, स्फीति होती हैं, टर्गिड्स होती हैं, अर्थात इनके अंदर पानी जब अंदर जाता है तो ये रंध्र को खोल देती हैं, और जब ये सलत अवस्था में आती हैं तो ये रंध्र को बंद कर देती हैं, ठीक है। इसी कंपोजिशन और द्वार कोशिकाओं की इसी थिकनेस यानी कि मोटाई के कारण ही रंध्र खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी रंध्र की स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, ठीक है। ये रंध्र की स्ट्रक्चर है, जैसा मैं बता रहा हूं उसे आपको नोट करना है। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले कि रंध्र की संरचना में प्रत्येक जो रंध्र होता है, प्रत्येक जो रंध्र होता है उस रंध्र में क्या होता है? दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। दो क्या होती हैं? दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दोनों द्वार कोशिकाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि इनके मध्य में क्या बन जाता है? इनके मध्य में क्या बन जाता है? एक
रंध्रीय छिद्र बन जाता है। इनकी जो व्यवस्था है दोनों की, जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है आपको, इन दोनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि इनके बीच में क्या बन जाता है, एक रंध्रीय छिद्र बन जाता है, ठीक है। और यही रंध्र छिद्र जो होता है खुलता और बंद होता रहता है, तो दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में क्या बन जाता है, एक रंध्रीय छिद्र बन जाता है। अब द्वार कोशिकाओं की बात करें तो दोनों जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, यानी कि द्वार जो सेल्स हैं, द्वार जो कोशिकाएं हैं, द्वार जो सेल्स होती हैं, इनकी जो कंपोजिशन होती है, यानी कि इनकी जो व्यवस्था होती है, यानी कि जो मोटाई होती है, उसकी बात हम करें तो द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति का मतलब समझ गए, भीतरी जो रंध्र की तरफ है, ठीक है, ये वाली भीतरी भित्ति कैसी होती है, मोटी व बाहर वाली भित्ति कैसी होती है, बाहर वाली भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। और इसी थिकनेस यानी कि इसी कंपोजिशन के कारण क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं वो बंद और खुलते हैं, कैसे कि जब क्या होता है कि जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, यानी कि जब मोटी होती है, तो इस भीतर वाली जो कोशिकाएं हैं, यानी कि जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, तो इनकी इस मोटाई के अंदर जो इनमें डिफरेंट है, बाहर की पतली है, अंदर की मोटी है, जिसके कारण जब स्फीत अवस्था आती है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब सलत अवस्था आती है इनकी तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रंध्र की स्ट्रक्चर और उसके बारे में है, इसको आप, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उससे आप नोट कर सकते हैं, समझ में आपके आ गया होगा, मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बता दिया है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। अगला जो टॉपिक अब हम लेके चलेंगे, समझने की चीज वहां से शुरू होती है। ये तो रंध्र की स्ट्रक्चर है, आप आसानी से बना लेंगे कि प्रत्येक जो रंध्र होता है उस रंध्र में क्या होता है, क्या होता है, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, दोनों द्वार कोशिकाओं की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है, उनके मध्य में एक रंध्र छिद्र बन जाता है, प्रत्येक द्वार कोशिका जो होती है उसकी भीतरी भित्ति मोटी और बाहरी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्लत अवस्था में रंध्र बंद हो जाते हैं और स्फीति अवस्था में रंध्र खुल जाते हैं, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं एक और, जो आपको लिख सकते हैं कि इनके चारों ओर क्या पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, वैसे नोट में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि पत्तियों में रंध्र की जो संख्या होती है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति यानी कि 100 से लेके और 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 100 से लेके और 60,000, ये पत्तियों की स्ट्रक्चर प्लांट के, ठीक है, प्लांट की स्ट्रक्चर और उनके किसके ऊपर अकोमोडेशन, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट किसका है, जीरोफाइटिक है, हाइड्रोफाइटिक है, समुद्भिद है यानी कि मरुद्भिद है, कैसे किस तरह का प्लांट है, तो यानी कि रेगिस्तान में उगता है, जल में उगता है, समुद्भिद वातावरण में उगता है, ठीक है। तो उसके आधार पर इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर 100 से लेकर और 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर क्या पाए जाते हैं, रंध्रों की संख्या पाई जाती है, या आपकी जनरल नॉलेज के लिए इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके पश्चात मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि रंध्र खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, ये रंध्र खुलते हैं और बंद कैसे होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है रंध्र की गति, क्या है, रंध्र की गति की क्रियाविधि, कि रंध्र जो होते हैं वो किस तरह से क्या काम करते हैं, खुलते और बंद कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रात्रि में बंद हो जाते हैं, दिन में प्रकाश के समय में खुल जाते हैं, हाउ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। तो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या दिए गए थे, अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए थे और बहुत सारी परिकल्पनाएं संकल्पनाएं दी गई, और इन संकल्पनाओं को सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहली जो संकल्पना है अपने पास वह है मंड शर्करा परिकल्पना, नंबर एक है, क्या है, मंड शर्करा परिकल्पना, ठीक है, मंड शर्करा परिकल्पना बहुत अच्छी है, स्टीवर्ड के द्वारा दी गई थी, वैज्ञानिक नाम था जिनका नाम था जेडी सायरे, क्या नाम था, वैज्ञानिक का नाम था जेडी सायरे, ठीक है। और सन 1928 के आसपास की बात है, डेट कोई मायने नहीं रखती है, कि डेट को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, चित्र याद रखेंगे, इसकी व्याख्या भी अच्छी तरह से याद रखेंगे।
तो एक वैज्ञानिक थे जेडी सायरे, जिनके द्वारा 1928 में नहीं 1923 के अंदर, ठीक है, इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले इस परिकल्पना को समझे, इससे पहले एक चीज और समझने योग्य है, वो ये है, ध्यान रखने की बात है कि सायरा जो था, सायरे जो थे, उससे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था लॉयड। क्या नाम था जिनका? नाम लॉयड था, लॉयड, जिन्होंने 1901 में, ठीक है, या 1908 में, ऐसा हो सकता है कि 1908 हो सकता है, 1901 हो सकता है, 1908 नोट कर सकते हैं कि लॉयड नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें मंड पाया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत भी हम यहीं से कर सकते हैं, परिकल्पना सायरे की है, लेकिन शुरुआत हम कहां से करेंगे? लॉयड से करेंगे। क्या लिखेंगे? सन 1908 में लॉयड ने बताया कि, क्या बताया, कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या उपस्थित होता है? उनमें मंड उपस्थित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? उसमें मंड उपस्थित होता है। अब बात आती है मंड शर्करा, और यहीं से शुरुआत होती है, इसी थ्योरी के आधार पर शुरुआत होती है, मंड शर्करा परिकल्पना जो कि जेडी सायरे के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो हम आगे लिख सकते हैं, इस आधार पर जेडी सायरे ने, किसने, जेडी सायरे ने 1923 में मंड रंध्र की गति की क्रिया विधि को समझाने के लिए क्या किया? मंड शर्करा परिकल्पना प्रस्तुत की। समझाने के लिए क्या किया? मंड शर्करा परिकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है। आप ये लाइन लिखेंगे सबसे पहले, हो सकता है नोट्स में ये इस तरह की नहीं लिखी हुई हो, ठीक है। तो मैं जो भी पीडीएफ आपके पास भेजूंगा उसमें हो सकता है इस तरह से शुरुआत नहीं की गई हो, तो यहां आप शुरुआत इस प्रकार से करेंगे। क्या कहेंगे कि सन 1908 में लॉयड ने बताया कि द्वार कोशिकाओं में मंड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? मंड उपस्थित होता है। इसी आधार पर जेडी सायरे ने 1923 में रंध्र की गति की क्रिया विधि को समझाने के लिए मंड शर्करा परिकल्पना को प्रस्तुत किया, या मंड सर्कला जो सर्करा परिकल्पना है वो प्रस्तुत की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंड परिकल्पना की, कि ये मैटर क्या है। देखिए क्या कहती है ये परिकल्पना, इन्होंने बताया कि जो दिन के समय में, ये यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है, दिन के समय जो द्वार सेल्स होती हैं, यानी कि जो गार्ड सेल्स, यानी कि द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें CO2 की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? CO2 की कमी हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज को, क्या हो जाती है? CO2 की कमी हो जाती है, जिससे इनका pH जो होता है वो कैसा हो जाता है, बताइए। CO2 की कमी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं CO2 की कमी है तो उसका pH बढ़ेगा या घटेगा, बताइए, pH लेवल। तो मैं तो अपने अनुसार बता ही दे रहा हूं आपको कि pH बढ़ जाता है, यानी कि द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी के कारण क्या हो गया? pH बढ़ जाता है, द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है, समझ गए? ध्यान रखना इस चीज को कि दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि CO2 किसमें उपयोग आ रही है? CO2 उपयोग आ रही है प्रकाश संश्लेषण में, जो कि दिन के समय होने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखा करो, थोड़ा सा दिमाग को बिल्कुल फोकस, बोर्ड को ऊपर फोकस करके और तब पढ़ा करो, ऐसे नहीं है कि यूं लगा के आता, ठीक है, बिस्तरों में पड़े पड़े पढ़ रहे हो, सारा फोकस यहां होना चाहिए, ठीक है ना। बात कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको महाभारत या कहानी की किस्से सुना रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे सामने होने वाली प्रक्रियाएं हैं। वाष्पोत्सर्जन भी होता है पेड़ पौधों में, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तना होता है, जड़ें, क्या नहीं जानते आप, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते वो हम बता रहे हैं आपको, तो ध्यान दो इस चीज पे कि दिन के समय में क्या हुआ कि द्वार जो कोशिकाएं होती है उनमें होगी CO2 की कमी। अब बात ये आती है CO2 की कमी क्यों हुई? प्रकाश संश्लेषण के कारण,
ठीक है, तो CO2 की कमी होने से क्या हो गया कि द्वार कोशिकाओं का पीएच जो होता है वो बढ़ गया, ठीक है ना। अब द्वार कोशिकाओं का जैसे पीएच बढ़ा, इन द्वार कोशिकाओं का पीएच बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उच्च पीएच पर, यानी कि पीएच अप हो गया, तो क्या हुआ, क्या हुआ, उच्च पीएच पर एक एंजाइम होता है इन कोशिकाओं में, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उच्च पीएच पर द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फास्फोराइलेज एंजाइम, क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, सबसे पहले दिन सुबह सुबह, ठीक है, सुबह दोपहर भी हो सकता है, तो दिन के समय में, ठीक है, क्या हुआ, द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी हो गई, प्रकाश संश्लेषण के कारण CO2 जो है वो यहां कम हो जाती है, जिसके कारण इनका पीएच बढ़ जाता है, ठीक है। पीएच बढ़ जाने से क्या होता है, उच्च पीएच पर जो द्वार कोशिकाएं होती है उनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम फास्फोराइलेज एंजाइम कहते हैं, ये हो जाता है अब सक्रिय। जैसे ही फास्फोराइलेज एंजाइम क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, तो मंड का ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, पहले वाली बात शुरू कर देते हैं हम, तो क्या होगा कि जो मंड है, यानी कि मंड जो है वो किस में पर बदल जाएगा, ठीक है, फास्फेट किसके अंदर बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट मंड का किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना कि जैसे ही फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होता है, मंड जो होता है वो किस में बदल गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल गया। जैसे ही ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है, वैसे ही हमारी जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, और आगे लिख सकते हैं हम कि द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, द्वार जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि द्वार जो कोशिकाएं दिख रहा है आपको, द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी डीपीडी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, डीपीडी बढ़ जाती है। और डीपीडी क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं, डीपीडी होती है जल की मांग, ठीक है, और जल की मांग बढ़ जाती है, ये क्या यहां कहें कि द्वार जो सेल्स होती हैं, द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी डीपीडी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही डीपीडी बढ़ी, जल की मांग बढ़ जाती है, और पास वाली जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन आ जाता है, बाहर जो है वो सांद्रता, ठीक है, अधिक हो जाती है, अंदर जो है सांद्रता वो कम हो जाती है, या जल के परिपेक्ष में क्या कहें कि यहां पे सांद्रता, जल की सांद्रता क्या होगी, जैसे ही मंड का किस में परिवर्तन हुआ, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, तो द्वार जो कोशिकाएं थी इनके अंदर क्या हो गया, जल की कमी हो गई, बाहर जल ज्यादा है, तो आप जानते हैं कि जल जो, यानी कि विलायक जो होते हैं, वो हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, और यहां से सहायक कोशिकाओं से जल इनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगी, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चरण में द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्फीति हो जाती हैं, टारगेट्स हो जाती हैं, और जैसे ही स्फीत होती हैं, पहले बताया था आपको कि जैसे ही द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, द्वार कोशिकाओं के स्फीत होते ही रंध्र खुल जाता है। समझ में आया या नहीं, आ गया, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि दिन के समय द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उनमें CO2 की कमी हो जाती है, CO2 की कमी के कारण उनका पीएच जो होता है वो बढ़ जाता है, उच्च पीएच पर इन कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है वो सक्रिय हो जाता है, और इसके कारण जो द्वार कोशिकाओं में, जो लोयडन बताया था कि द्वार कोशिकाओं में मंड पाया जाता है, कि द्वार कोशिकाओं में जो मंड होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। जैसे ही ग्लूकोज 1 फास्फेट में ये परिवर्तित होता है, द्वार जो कोशिकाएं होती हैं उनकी डीपीडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जल की मांग बढ़ जाती है, और सहायक जो कोशिकाएं होती हैं, बगल वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वहां से जल द्वार कोशिकाओं में जाना शुरू कर देता है, और द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्फीति हो जाती हैं, और जैसे ही स्फीति हो जाती हैं क्या होते हैं, रंध्र क्या हो जाते हैं, रंध्र ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, राइट, ये तो रंध्र खुल गया, अब बंद भी तो करना है इसको, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बंद करना बहुत जरूरी है, दरवाजे जैसे बंद कर देते हैं ना ऐसे ही, क्योंकि पानी फिर तो निकलता ही रहेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना वाष्पोत्सर्जन थोड़ी पॉसिबल है,
तो यहाँ पे हम अब हम बात करते हैं रंध्र के बंद होने की। अब रंध्र के बंद होने की जब हम बात करते हैं तो इससे बिल्कुल विपरीत क्या आ जाती है, अब रात आ जाती है। ठीक है, दिन है तो रात भी आएगी, तो रात आ गई तो रात को क्या हुआ बताइए, उल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा काम हो गया। क्या हो गया कि रात को प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं रहा, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होता है नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जो द्वार सेल्स होती हैं उनमें CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ गई। CO2 की मात्रा जब इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, pH लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो द्वार सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका जो pH होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही डिक्रीज होता है वैसे ही हमारे पास जो फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट था, हमारे पास क्या था, ग्लूकोज 1 फास्फेट था, ये ग्लूकोज 1 फास्फेट फिर से किस में चेंज हो जाता है, फिर से मंड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही मंड में चेंज हो जाता है वैसे ही क्या होता है कि इनकी जो सांद्रता थी सहायक कोशिकाओं की और द्वार कोशिकाओं की, इनमें फिर से परिवर्तन आ जाता है और यहां से जो जल होता है माय डियर स्टूडेंट वो वापस किधर जाना शुरू कर देता है, पड़ोस वाली कोशिकाओं में। ठीक है, लेन देन तो बनाए रखना है ना, पड़ोसी हैं, ठीक है, धंधो ही सीखे तो, यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए, देना भी और लेना भी, गिव एंड टेक, ठीक है, शेयरिंग और गिव एंड टेक, ये दो शब्द जो होते हैं जीवन में बहुत काम आते हैं। ठीक है, लेना और देना और शेयरिंग यानी कि बांटना। तो ये प्रकृति जो होती है ना, ये जो नेचर है, इसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर रखा है, पेड़ पौधे बना रखे हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु बना रखे हैं, सभी को जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका दे रखा है, मानव को छोड़ के। ठीक है, मानव को ये पता ही नहीं है कि उसे जीना कैसे है, क्यों, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज 1 फास्फेट वापस किस में चेंज हो गया, मंड के अंदर चेंज हो जाता है। और जैसे ही मंड में चेंज हो जाता है माय डियर स्टूडेंट वैसे क्या हो गया, रंध्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और रात्रि में वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ओके, गुड। सो आज का जो टॉपिक था वो हमारा ये था, और नेक्स्ट डे कल जो है हम आपको एक और परिकल्पना से क्या है रूबरू कराएंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।